नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूँ दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सल्तनत काल का शानदार क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करिए, क्योंकि हर एक राय आपका हमारा एक मोटिवेशन है। दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, फक्र ए मुदबिर और उनकी अदाब उल हर व सुजात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है और इसमें 1, 2 और 4 आपका करेक्ट है। अगर हम देखें इसमें, यह इल्तुतमिश के शासनकाल के आरंभिक दिनों में युद्ध की कला पर लिखी गई किताब है। यह इल्तुतमिश के शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में युद्ध की कला पर लिखी गई किताब है। फख्र ए मुदबिर ने भारत में बनी तलवारों की काफ़ी तारीफ की है। अगर हम बात करें तो फख्र ए मुदबिर ने भारत में जो तलवार बनती थी उनकी बहुत तारीफ करता है। कौन? फख्र ए मुदबिर। वह दमिश्की स्टील बनाने की सबसे पुरानी ज्ञात तकनीक का वर्णन करता है। अगर हम बात करें फख्र ए मुदबिर, वह पुरानी दमिश्की स्टील बनाने की ज्ञात तकनीक का वर्णन करता है। अगर देखा जाए तो फख्र ए मुदबिर एक पर्शियन लेखक था। उसने सजरा ए अनसाब और अदाब उल हर्ब व सुजात नामक पुस्तकें लिखी। फख्र ए मुदबिर दिल्ली सल्तनत के ऐसे इतिहासकारों में शामिल है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के स्वरूप का, उत्थान और तुर्की आरंभिक काल का वर्णन किया है। कौन? आपका फख्र ए मुदबिर। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जैनुल आबादीन ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक थे और वे ज्ञानी लोगों से घिरे रहते थे जिनके साथ चर्चा करना उन्हें पसंद था। ये आपका कथन है और कारण इसका है, उनके शासन काल के दौरान सैयद मोहम्मद रूमी, काजी सैयद अली सिराजी, काजी जमाल तथा सैयद मोहम्मद सिस्तानी अपने अपने देशों को छोड़कर कश्मीर में उत्प्रवास कर गए। आपका ए और आर दोनों सही है और इसकी आर ए की सही व्याख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर हम बात करें कश्मीर में शाही खान जून 1420 में गद्दी पर बैठा, जो जैनुल आबादीन का जो मूलतः नाम था वह शाही खान था और उसने जैनुल आबादीन की उपाधि ग्रहण की थी। कौन? आपका शाही खान ने की थी। वह कश्मीर का सबसे महान शासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु शासक था। उसके समय में अगर हम बात करें, कश्मीर राज का अधिकतम विस्तार हुआ। कश्मीर की भौतिक, सांस्कृतिक व विज्ञान की खूब ढेर सारी प्रचार प्रसार हुआ कश्मीर में। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अफगानों के साथ उलुग खान बलवन के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आपका बात करें तो 1 और 2, उलुग खान ने अपनी सेना में लगभग 3,000 अफगानी भर्ती किए थे। जब उलुग खान सुल्तान बना तो उसने दिल्ली के निकट पटियाली, कामपिल और भोजपुर में अपनी नई सैन्य चौकियां बनाई और उन्हें अफगानों के नियंत्रण में रखा। ये किसकी बात करता है? बलवन की बात करता है, जिसका नाम आपका उलुग खान भी था। अगर बलवन केवल उच्च वंश के ही व्यक्तियों को अधिकारियों के पद पर नियुक्त करता था। आप लोग जानते हैं बलवन शाही घराने के लोगों को ही नियुक्त करता था और जो पेशे से उच्च कुल के होते थे उन्हीं को बलवन नियुक्त करता था। बलवन की एक तरह की ऐसी नीति ही थी, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ये सारी नीति बंद कर दिया। वह सिर्फ योग्यता पर ध्यान करता था, जो राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जो इसका असली हकदार होगा, या नौकरी की पेशा नहीं, तो ये लोग अपने परंपरागत तौर पर ही रहते थे। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सुल्तान ने आदेश दिया कि वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव का उसका आधा जमा करना चाहिए। यह किस सुल्तान का है? आप सब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने यह कथन कहा है। अलाउद्दीन के राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था। एक अध्यादेश द्वारा अलाउद्दीन ने उपज का 50% अगर हम बात करें भूमि कर के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया उसने भूमि के पैमाइश करा कर लगान वसूल करना आरंभ कर दिया। कौन कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व बलवान इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज का एक तिहाई अधिक नहीं लिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका कर व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। राजस्व का अतिरिक्त अलाउद्दीन ने आवास कर और चराई कर भी लगाया था, जिसे बाद में फिरोज तुगलक ने बंद कर दिया था। अगर हम बात करें नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान के क्षेत्र में किया गया था? आपका सिंध। 712 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर हम बात करें नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग
मैंगो नेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम सिंध में 712 ईस्वी में किया गया। इराक के अरब गवर्नर अल हज्जाज ने अपने भतीजे तथा दामाद मुहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने को भेजा। सिंध का राजा उस समय दाहिर था। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में नाफ्ता और मैंगो नेल्स का प्रयोग हुआ था, जो आपका दाहिर और मोहम्मद कासिम के बीच युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में। उसी युद्ध में नाफ्ता और मैंगो नेल्स का प्रयोग हुआ था, जिसका प्रयोग अरब आक्रमणकारियों ने किया। नाफ्ता एक ज्वलनशील तरल पदार्थ था, जो मैंगो नेल्स वस्तुओं को फेंकने वाला गुलेर का पदार्थ होता था, जिससे बड़ी बड़ी वस्तुएं भी दूर तक फेंकी जा सकती थी। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? कड़ा, आप सब जानते हैं। देवगिरी के अभियान से अलाउद्दीन खिलजी की लूट की प्रचुर संपत्ति प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी इस लूट की संपत्ति को सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को देना नहीं चाहता था, अतः अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान को एक षड्यंत्र के तहत कड़ा आकर लूट का माल प्राप्त करने को राजी कर लिया। सुल्तान जलालुद्दीन अपने विश्वस्त सरदारों की सलाहों की अपेक्षा करते हुए अलाउद्दीन से मिलने गंगा पार नाव से गया। वहां अलाउद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का वध करवा दिया, उसका हत्या करवा दिया था। आप सब जानते हैं। बर्नी फिर आगे क्या लिखता है कि जैसे अभी सुल्तान कटे सिर से रक्त बह रहा था, जब मुकुट अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित किया गया। अगर हम बात करें, आप इतना विश्वास करता था क्योंकि उसका भतीजा था, उसको समझ तक मेरा भतीजा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उधर सर काट देता है। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी कि मुखबिरों और जासूसों के दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उनके नज़दीकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती है। राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार को नष्ट करती है। ये कौन कहा था? बलवन ने कहा था। आप सब जानते हैं बलवन एक प्रकार का संघी शासक भी था। बलवन दिल्ली का एक तरफा सुल्तान है, जिसने राजस्व संबंधी अपने विचारों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। सुल्तान के उच्च पद और शासक के कर्तव्यों के विषय में उसने अपने स्पष्ट व विस्तृत प्रकट विचार किए थे। बलवन राजा कर्तव्यों के संबंध में वो विचार रखता है कि वह उसकी वसीयतों से प्राप्त होता था। दिल्ली के सुल्तानों में बलवन की वसीयत बर्नी ने संकलित किया था। अपने पुत्रों मुहम्मद और महमूद को राजस्व का पद राजपद के संबंध में उसने जो समझाया वह उसके विचारों को व्यक्त करता है। अगर हम बात करें, वसीयत का प्रथम सुल्तान के कर्तव्यों पर आधारित है, जबकि दूसरे भाग में अपने पुत्रों को राजस्व के संबंध में निर्देश देता है। तो आपका करेक्ट आंसर बलवन होगा। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकता एक तमलीग वंशानुगत थे, जिसमें एकता पाने वाले के लगभग निजी संपत्ति समझी जाती थी। एकता ये मुस्तकल वंशानुगत नहीं थे, आरंभ में उनकी प्राकृतिक प्रशासनिक और सैन्य दोनों थी। आपका ऑप्शन नंबर एक सही है, ए और बी। अगर हम बात करें, एकता का अर्थ और परिभाषा निजामुल मुल्क तूसी द्वारा अपने ग्रंथ सियासतनामा में दिया गया है। अगर एकता का आपको जो परिभाषा मिलता है वो किसमें मिलता है? मुल्क तूसी, निजामुल मुल्क तूसी की सियासतनामा में देखने को मिलता है। एकता एक अरबी शब्द है, जिसे एक प्रकार के प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने के संदर्भ में किया गया है। भारत में मोहम्मद गौरी विजय के बाद उत्तर भारत में एकता प्रथा लागू हुई। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हांसी में एकता प्रदान किया। फिरोज तुगलक ने भूमि अनुदान के रूप में सैनिकों को वेतन देने की प्रथा को पुनर्जीवित कर दिया था। कौन कर दिया था? फिरोज तुगलक ने कर दिया था, जो वजह के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस एकता के प्रशासनिक तथा सैन्य दायित्व दोनों शामिल थे। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल महियार को जब अमरोहा के मुशर्रफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर से प्रत्येक धमनी और नस्ल को से खींचना शुरू हो जाता है। तो कौन कहता है? बलवन कहता है। बलवन उच्च कुल को ज़्यादा प्राथमिकता देता था, निम्न कुल को नहीं देता था। आप सब जानते हैं, जाउद्दीन बर्नी लेखक से पता चलता है कि प्रारंभिक तुर्क सुल्तान ने निम्न जाति के व्यक्तियों को उपेक्षा की। बलवन ने यह घोषणा की कि क्योंकि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ, मैं किसी निम्न जाति के व्यक्ति को ऊंचे पद पर बैठने की आज्ञा नहीं दे सकता क्योंकि मैं अगर हम बात करें ऊंचे नहीं दे सकता जब मैं किसी निम्न जाति के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। कौन कहता है? बलवन कहता है। बलवन भी पहले ऐसे ही आदमी था, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग क्या क्या कर लेते थे। एक योग सैनिक अधिकारी के प्रशासक कमाल महियार ने बलवन के अमरोह का मुशर्रफ नियुक्त नहीं किया क्योंकि वह इस्लाम धर्म में परिवर्तित एक हिंदू का पुत्र था। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है और आखिरी क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट आंसर क्या है? नूरबख्शिया मुहर्रम नहीं मनाते, नूरबख्शिया मुहर्रम मनाते हैं।
अगर हम बात करें तो। नूरभक्षी संप्रदाय को सूफियों, नूरभक्षी भी कहा जाता है, अब इस्लाम का एक सूफी संप्रदाय था। इसका संस्थापक शाह सैयद मोहम्मद नूरभक्ष कहस्तानी थे। नूरभक्षी संप्रदाय के विचार मुख्य रूप से अगर हम बात करें, सैयद मोहम्मद द्वारा लिखी किताब अल फिक ए अहवाल तथा किताबुल एतिकादिया में लिखा गया है। अगर हम बात करें जो नूरभक्षिया मुहर्रम मनाते थे। दोस्तों आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, UGC नेट, UPSC और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बड़े एग्जाम में, तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लिए होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, क्योंकि आपकी राय हमारे एक मोटिवेशन है। और आप लोग सुझाव दिया करिए वीडियो में हम क्या सुधार कर पाएंगे और वीडियो में हम क्या ऐड करें जो कि आप लोगों को और ही पसंद आए। और आप लोग लाइक नहीं करते हो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट कर दिया करिए चैनल को। आपका हर एक सपोर्ट हमारा एक मोटिवेशन है, हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। आप लोग सब जानते हैं मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। एग्जाम को फोड़ डालिए, जय हिंद।